क्या होगा अगर दोस्तों ब्राउन ब्रेक और रोम रेस एक रिंग में आ जाए तो इन दोनों में कौन किसकी फाड़ेगा, चले देख लेते। और ये दोनों सुपरस्टार काफी हट्टे कट्टे और ये दोनों सुपरस्टार भी स्पेयर देते हैं। और वीडियो के अंत में हम ये भी जानने वाले हैं कि इन दोनों में से किसका ज्यादा स्पेयर तगड़ा और कौन ज्यादा अच्छा स्पेयर देता है। तो रोम रेस वर्सेस ब्राउन ब्रेकर की कंपेरिजन काफी फाड़ होने वाली है, तो वीडियो की जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि वीडियो के बीच में काफी इंटरटेनमेंट है। फालतू बातें गई बाढ़ में, चले दोस्तों सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। तो जैसे कि हम सभी को मालूम है कि हमारे रोम रेस का पूरा नाम क्या है, हमारे रोम रेस का पूरा नाम है लिटी जोसेफ जो एन वाई। हमारे रोम रेस 1985 में यूएस में जन्मे थे और हमारे रोम रेस 2023 में पूरे 38 साल के हो चुके हैं। और हमारे ब्राउन ब्रेकर का पूरा नाम है ब्रॉन्सन रिच ट्विनर। और हमारे ब्राउन ब्रेकर 24 अक्टूबर 1997 में यूएस में जन्मे थे। हमारे ब्राउन ब्रेकर 2023 में पूरे 25 साल के हो चुके हैं। वैसे देखने जाए तो हमारे रोम रेस को पूरा 12 साल का रेसलिंग का नॉलेज है। इन 12 सालों में ना जाने हमारे रोम रेस ने कितने सारे लेजेंडरी सुपरस्टार के फाड़कर चार किए। अंडरटेकर, ब्रॉक लेसनर, ट्रिपल एच, बिग शो, जॉन सीना, एज, इन जैसे लेजेंडरी सुपरस्टार का नाम आता है। मालूम है ना, एज का तो मुंह ही फाड़ डाला था। हाँ, रोम रेस किसी की फाड़ने में पीछे नहीं देखते, उन्होंने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। और अगर वही देखने जाए तो हमने ब्राउन ब्रेकर ने अभी तक WWE में कौन से भी झंडे नहीं गाड़े। उनका WWE का करियर अभी तो चालू हुआ है, रोम रेस के सामने वो बच्चे बच्चे। और अगर ताकत के बारे में बात करने जाए तो हमने ब्राउन ब्रेकर के अंदर बेल की तरह ताकत है। और उनका NXT का खतरनाक परफॉर्मेंस देखकर तो यही लगता है कि हमारे ब्राउन ब्रेकर आसानी से रोम रेस को टक्कर दे सकते हैं। और हमने ब्राउन ब्रेकर एक खतरनाक रेसलर होने के साथ एक फालतू एक्टर भी है। अगर आप NXT देखते होंगे तो आपको स्टील स्टेप वाला वॉच मालूम है। और अगर वही देखने जाए तो हमने रोम रेस ने कोई कंचे नहीं खेले। हमारे रोमरेस ने WWE में कुत्ते की तरह मार खाकर अपना करियर किया है। और हमारे रोमरेस हमेशा ही अपने से दुगने बड़े सुपरस्टार को हारने की क्षमता रखते हैं। अब वैसे देखने जाए तो इन दोनों की बॉडी का हट्टी कट्टी है, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं किसकी बॉडी मेजरमेंट तगड़ी है। हमारे रोमन भाव की चेस्ट है 52 इंच, बाइसेप 20 इंच, हाइट है 6 फुट 3 इंच, वेट 120 किलो। और अगर वही देखने जाए तो हमारे ब्राउन ब्रेकर की चेस्ट है 48 इंच, बाइसेप 20 इंच, हाइट है 6 फुट, वेट 101 किलो। यहाँ पर देखने जाए तो हमारे ब्राउन ब्रेकर रोमरेस को आसानी से एक रिंग में टक्कर दे सकते हैं। अब वैसे देखने जाए तो हमारे ब्राउन ब्रेकर का फिनिशिंग मूव है पावर स्लैम। अगर वह देखने जाए तो हमारे रोम रेस ने अपने WWE के करियर में परम पूज्य ब्रॉन स्ट्रोमन के पावर स्लैम खाए हैं, जिससे हमारे रोम रेस को कुछ घंटा भी इंपैक्ट नहीं हुआ था। तो ये चिल्ली पिल्ली ब्राउन ब्रेकर की झाड़ की पत्ती है। और हाँ, रोम रेस ने स्पेयर देने के बाद WWE के सुपरस्टार की 100% फटी है। और आप लोग जो कहते हैं ना हमारे ब्राउन ब्रेकर नेक्स्ट गोलबग है, तो भैया कान खोल कर सुनो, हमारे रोम रेस ने भी गोलबग की फाड़ डाली है। तो ये ब्राउन ब्रेकर की झाड़ की पत्ती है। अब भैया क्वेश्चन ये पड़ता है कि किसका स्पेयर ज्यादा तगड़ा है, दिखने में भी और इंपैक्ट में भी। तो यहाँ पर देखने जाए तो यहाँ पर हमारे रोम रेस का स्पेयर काफी तगड़ा है। हमारे रोमरेस हवा में स्पेयर देते हैं और हमारे रोमरेस को स्पेयर देने का 12 साल का एक्सपीरियंस है। पर यार दोस्तों, हर एक बंदे की पर्सनल चॉइस होती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, इन दोनों में से किसका स्पेयर तगड़ा है, ब्राउन ब्रेकर का या फिर रोमरेस का, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, ओवरऑल देखने जाए तो इस कंपैरिजन में विन होते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। और हाँ दोस्तों, आपकी नजरों से इस कंपैरिजन में कौन जीता, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगली कंपैरिजन वीडियो किन दो सुपरस्टार के ऊपर देखना चाहोगे, वो भी कमेंट करके जरूर बताना, 101% वीडियो बन जाएगा। और हाँ दोस्तों, आप लोगों को मुझसे बात करनी है तो सारे लोग पर्सनली जाके इंस्टा पे चैट करना, मैं सभी के रिप्लाई दूंगा। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए, जाके सारे लोग चैट करना और फॉलो जरूर करना। और हाँ दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।